सेस फॉर्म में, N2H2 सेस फॉर्म में, इसके अगर इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे भी, अगर इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे भी तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं तो ये इससे पहले, इससे रिएक्ट करने से पहले, इस पाई बॉन्ड से रिएक्ट करने से पहले, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरे मॉलिक्यूल आकर के 6 MCTS बना देंगे, 6 MCTS बना देंगे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और N2 बाहर निकल जाएगा और N2H4 बाहर निकल जाएगा, इससे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी कीटोन ग्रुप से या सील बॉन्ड एन से, इसलिए मानते हैं कि ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा बिटवीन सेम एटम्स, पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा बिटवीन सेम एटम्स। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसके अंदर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा N2H2, ये एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इथेन मिलेगा प्लस N2 गैस, मैकेनिज्म बता दिया मैंने इसका, ये पहले बता चुका हूं मैं, ये एक तरह से रिपीट किया है मैंने पूरा, सही ना। ये अब ध्यान रखना है 6 MCTS जो है ये एक पाई बॉन्ड के साथ ही होता है, कंजुगेट एडिशन शो नहीं करेगा ये, जैसे H2Ni के साथ हो रहा था, उसमें कंजुगेट एडिशन हो रही थी, इसमें कोई कंजुगेट एडिशन नहीं होगी, सही ना, इसमें कोई कंजुगेट एडिशन नहीं होगी। तो उसकी एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, कंजुगेट एडिशन इसलिए नहीं होगी, अगर तुम करना चाहोगे तो उसमें 8 MCTS बनेगा, देखो इस तरीके से, अगर मैं कंजुगेट H2 था तो हो गई थी, इसके साथ नहीं हो पाएगी, ये है बन गया ना 8 MCTS, नॉट पॉसिबल, देख लो ये 8 मेंबर की रिंग बनेगी, अगर यहाँ बनेगी H2Ni के साथ तो 6 मेंबर की रिंग बनती थी कंजुगेट एडिशन में, वैसे उसके साथ 4 MCTS बनती थी, ध्यान आ गया कि नहीं है। तो इसमें कंजुगेट एडिशन नहीं होगी, इसमें एक ही डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, इसमें एक ही डबल बॉन्ड पे अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है, चलो एग्जाम्पल नोट कर लो उसकी, ट्रोपीन लिया, इसमें अटैक कराया मैंने से N2D4 प्लस H2O2, N2D4 प्लस H2O2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो आएगा उसकी सीरो केमिस्ट्री बता सकते हो तो वो भी बताना है, अगर तुम उसकी सीरो केमिस्ट्री बता सकते हो तो वो भी बतानी है। फर्स्ट सेकंड सिस फॉर्म में ले लेते हैं, सेम एडिशन था इसके अंदर, ध्यान रखना N2D4 प्लस H2O2, ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं N2D4 प्लस H2O2, N2H4 लेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं, ब्यूटेन आंसर आ जाएगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं N2D4 ले रहा हूँ जानबूझ के, N2D4 प्लस H2O2 नेक्स्ट आ जाएगा, इसी में पेंटटूइन N2D4 प्लस H2O2, ट्रांसपेंटटूइन N2D4 प्लस H2O2, इसके अलावा आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन N2D4 प्लस H2O2, N2D4 प्लस H2O2, इसमें लगा देंगे एक पाइप मिथाइल ग्रुप प्लस H2O2, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दो बस, इसमें और तो कुछ खास आएगा नहीं, ऐसे एक ये ले लेते हैं, N2D2 डाल दिया डायरेक्ट, N2D2, इसको कंप्लीट करो एक बार,
अनुराग हो गए। चलो सर ट्राई कर लिए एक बार। ट्राई कर लिया, और किसी ने? मेरे भी हो गए घर। प्रियंका ने ट्राई कर लिया, अनुराग ने और गर्व ने। चलो प्रोपीन है, ध्यान देंगे। प्रोपीन, प्रोपीन में N2D4 डाला और H2O2। तुम्हें पता है यहाँ पे N2D2 बन जाएगा, ये बन जाएगा N2D2, यानी डी दो डी ऐड होंगे, क्लियर है ना? ये N2D2 बन जाएगा इससे, और दो डी ऐड होंगे, और दो डी इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, CH3CHD CH2D, सिन एडिशन। बताओ ये कितने प्रोडक्ट मिले, एक की दो? सर दो 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 प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि ये दोनों डी नीचे से ऐड किए मैंने, ये ऊपर से भी ऐड हो सकते हैं, सही ना? तो मिरर इमेज मिल जाएगी एक तरह से इसकी, ये काले सेंटर आ गया ना इसमें, तो इसलिए ये दो प्रोडक्ट हैं, ये ध्यान रखना चीज का। प्लस माइनस मिलेगा इसमें, या प्लस माइनस लिख दो, या फिर डीएल लिख दो। अब इस केस में भी सिन एडिशन होगा, तो इसमें क्या मिल जाएगा? मीजो, ऑप्टिलीन एक्टिव कंपाउंड, MEME, HH और DD, क्लियर है कि नहीं? मीजो मिलेगा इसमें। यस सर। और तीसरा केस, MEME, HD, इसमें मिलेगा रेसीमेट, मिरर में जा जाएगी साथ में इसकी। ये किसके सही है तीनों? गर्व, अनुराग, मयंक। चलो अब इसका बताएंगे आंसर, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? फोर्थ और फिफ्थ का, बोलो। सर फोर्थ में तो सेकंड थर्ड कितने में उनमें एमबी की जगह पे ईटी लग जाएगी जगह पर। प्रोडक्ट मिलेंगे फोर्थ और फिफ्थ में? सर फोर्थ बोलो। में एक ही मिलेगा, फिफ्थ में दो मिलेगा। देखो फोर्थ में भी दो मिलेंगे, फिफ्थ में भी दो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे ईटी है। क्या मीजो थोड़ी होगा ये? गर्व, ईटी आ जाएगा, मिरर इमेज नहीं मिलेगी इसकी क्या? यस सर, वो मैंने को गलत देख लिया। हाँ, और इसमें ईटी आएगा, ये था एरिथ्रो वाला कंपाउंड, जब दोनों सेम साइड है, नीचे कंपाउंड बना 3O वाला, दोनों की मिरर इमेज बनेगी क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, दोनों की मिरर इमेज बनेगी क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। ये किसी का सही हुआ है क्या? देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है ऑप्टिकल की, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ना, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए, हर दूसरे दिन मैं यही ले रहा हूँ क्वेश्चन इसी टाइप के, नहीं सही हुआ किसी का भी। तो ये आंसर है फोर्थ का और ये आंसर है फिफ्थ का, फोर्थ फिफ्थ हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ में आंसर एक की दो? एक ही होगा। हाँ एक ही होगा क्योंकि ये मीजो है, दोनों सिन एडिशन होगा, दोनों डी ऊपर से अटैक करेंगे या दोनों डी नीचे से अटैक करेंगे, बट इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट इज हैविंग पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीजो कंपाउंड है, कार्य सेंटर है दो इसके पास, कम से कम दो कार्य सेंटर होने चाहिए मीजो बनने के लिए। मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? हाँ दो प्रोडक्ट में तो दोनों डी ऊपर से अटैक कर सकते हैं या दोनों डी नीचे से, अगर दोनों डी ऊपर से अटैक करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से, और एमई को नीचे जाना पड़ेगा, डी और डी, हो सकता है दोनों डी नीचे से अटैक कर जाए, तो उस केस में आंसर ये आएगा, उस केस में आंसर इसकी मिरर आ जाएगा, इसकी मिरर इमेज ये देखेंगे। अब एमई को ऊपर रहना पड़ेगा, दोनों डी पीछे की तरफ, दो प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें, क्लियर है कि नहीं? ये मत सोचना कि दो कार्य सेंटर आ गए तो चार प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिन एडिशन है, दोनों डी सेम साइड रहने चाहिए, दोनों डी सेम साइड रहने चाहिए। नेक्स्ट केस में कितने आंसर?
कितने आंसर बोलो? सर दो सर एक एक है सर। एक आंसर। कोई काले सेंटर नहीं है इसके पास, सही ना? कोई काले सेंटर नहीं है इसके पास, सही है गर्व? सर वो यस नेट सर। चला गया था। 4 और 5 के आंसर में क्या है? 4-5 ये है ना, ये वाले आंसर लिखे हैं 4-5। ये एम आई क्या लिख रहा है सर? मिरर इमेज। अच्छा क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर क्लियर। तो ये इजी वाले क्वेश्चन थे। अब हल्का सा मैं मिक्सचर करके दे रहा हूँ H2Ni के साथ, सही ना? H2Ni के साथ मिक्सचर करके इसमें नोट कर लेंगे। 9th क्वेश्चन। इसमें डाल दिया एक बार H2Ni 1 इक्विवेलेंट। ये सिलेक्टिव एडिशन करता है, ध्यान रखना, N2D2। और एक बार डाल देना N2H4 प्लस H2O2, दोनों में आंसर क्या आएगा? 10th में सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसमें भी इसमें तुम कर देना डबल बॉन्ड O लगा दो। H2Ni दूसरा आ जाएगा N2H4 प्लस H2O2, दोनों में आंसर क्या आएगा? और रिलेशन बताना इनमें ना। तुम एक काम करना, इसमें मान लो ए आया और बी आया, ए और बी में क्या रिलेशन है? इसमें ए आया और बी आया, दोनों में क्या रिलेशन है? अगर कोई रिलेशन बनती है इसमें तो। नेक्स्ट इसको ले लेते हैं डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सेम N2H2 लिख देता हूँ मैं इसको, या N2D2 ले लो। N2D2 एक्सेस में डला है, और यहाँ पे H2Ni एक्सेस में, दोनों ये आ गया। और एक पॉसिबिलिटी लेना है, इसमें बताना तुम्हें। मान लो ये कंपाउंड लिया, इसमें तुम्हें ये दिखाना है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन से एल्कीन और कौन से हाइड्राजीन से मिलकर बनेगा ये? कौन से एल्कीन और कौन से हाइड्राजीन के साथ, यानी एल्कीन जितने पॉसिबल है सब बताने हैं, प्लस हाइड्राजीन। हाइड्राजीन N2D2 भी हो सकता है, एल्कीन कोई भी लो तुम। एल्कीन साइक्लो एल्कीन की फॉर्म में लेना पड़ेगा, सीधी सी पाता है इसको बनाने के लिए। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? पॉसिबल एल्कीन तो तुम्हें आंसर बताना है इसका, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती। क्या क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? और 100% यही यस मिलना सर चाहिए, 100% यही मिलना चाहिए, 100% यही वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। N2 N2 मत देखना, भला ऑर्गेनिक वाला प्रोडक्ट यही होना चाहिए। चलो ये 4 क्वेश्चन कर। जल्दी करेंगे, 5-7 मिनट का टाइम है, जल्दी करना थोड़ा सा।
चलो आंसर सुन लो जल्दी से, आंसर सुन लो बस, ये रिड्यूसिंग एजेंट खत्म आज आज हमारे। देखो फर्स्ट केस में आंसर, फर्स्ट केस में H2Ni डाला तो क्या मिलेगा आंसर? ब्यूटूइन सेसियस ब्यूटुइन। कौन सा वाला? सिस ब्यूटुइन। और N2H4 ये डाला तो सर, ब्यूट वन सर वन ब्यूटेन ब्यूट ब्यूटीन वनीन। दोनों कौन से आइसो, दोनों कौन से आइसोमर्स? पोजीशन वाइज। दोनों के दोनों पोजीशन है इस पर, बहुत अच्छे कर। नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट वाला केस में H2Ni डाला, H2Ni डाला तो क्या होगा? दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, यस सर, बीच में डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। नहीं बीच में डबल बॉन्ड क्यों आएगा? सर आए H2Ni मैंने वो। वन इक्विवेलेंट नहीं बोला ना। अच्छा 6 MCTs बना के करा मैंने सर। चलो कुछ नहीं था, 6 MCTs बना के किया है तो फिर एक काम करेंगे, वन इक्विवेलेंट से करते हैं, वन इक्विवेलेंट से। वो अभी तुम निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वन इक्विवेलेंट से करोगे तो ये आंसर आएगा, क्लियर है कि सर नहीं है? और सिस फॉर्म में आएगा ना ये तो, ये तो टॉटोमराइज कर जाएगा ना। बहुत अच्छे। ये टोटोमराइज कर जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? सो वही आएगा वो प्रोपेनल। प्रोपेनर। हाँ ये आ जाएगा ना आंसर, ये टोटोमराइज करके। और N2H4H2O2 डालेंगे तो सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो उसमें भी आंसर सेम आएगा कि नहीं? यस सर, तो इसमें आइडेंटिकल आंसर, दोनों में सेम आंसर आया, सही है। और इसमें डालेंगे N2D2 तो डबल बॉन्ड हो तो कुछ भी हो जाए, रिड्यूस नहीं होना है इससे, सही ना? डबल बॉन्ड किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं होगा। इसमें आ गया Me और ऊपर डबल बॉन्ड हो एज इट इज। नीचे क्या होगा H2NiSS में? तो ऊपर OH, नीचे Me, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सर वो वहां पे ME की जगह वो CH2D आएगा और वहां पे BD और फिर वो कायरल सेंटर आएगा। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ इसमें D आएगा ना, इसमें तो D आएगा सिन फॉर्म में, है ना? सिस एडिशन हो जाएगा और उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, सही ना? मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, क्लियर है? यस सर, अब ऑल पॉसिबल एल्कीन्स प्लस हाइड्राजीन जो बताना है, एक बार जल्दी से इसका आंसर देख लेंगे, है ना? ऑल पॉसिबल एल्कीन्स प्लस हाइड्राजीन, निकाला किसी ने कितने पॉसिबल एल्कीन्स और हाइड्राजीन बनेंगे? सर बस एल्कीन्स निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट दे दो। फिर मैं आंसर बता नहीं पाऊंगा फिर। और किसी ने निकाला आंसर? थ्री पॉसिबिलिटीज आ रही कितनी दोबारा बोल मैं? सर, 3। 3। एक बार देख लेते, एक बार आंसर देख लो। देखो एक तो साइक्लोएल्कीन ले लिया मैंने, साइक्लोएल्कीन ये वाला साइक्लोएल्कीन ले लिया, और क्या डाल दिया इसके अंदर? N2। क्या डाल देंगे इसमें? N2D2। N2D2। तो इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा कि नहीं? यस सर, N2D2 से D लग जाएगा, D आ जाएगा। और इसमें और क्या कर सकते हैं इसी के अंदर? D पहले से लगे हूँ, D पहले से लगे हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है इस तरीके से? यस सर, उसके बाद N2H2 डाल देंगे। और इसमें N2H2 डाल दो, क्या दोनों पॉसिबल हैं ये? यस सर, 100% मिल जाएगा उससे ये। यस मैं वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या ये दोनों पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है कि नहीं? ये मीजो है ना, ये गर्व, सर, तो इसकी मिरर इमेज तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना? यस सर, मिल जाएगा मतलब पूरा। हाँ पूरा 100% मिलेगा, मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पूरा मिलेगा ये। और इसके अलावा पॉसिबिलिटीज? डी डी तुम ऐसे ही लगा रहने दो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, नहीं समझी बात?
देख गर्व क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये से समझ गया। इसमें ये ऐसे लगा रहने दो, N2H2, एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो DD, फिर N2H2, और एक लास्ट में इस तरीके से डी और ये डी N2H2। चलो इनमें से ना एक पॉसिबल नहीं है, बताओ कौन सा वाला। मैंने छह आंसर दे दिए, एक दो तीन चार पांच और ये छह, इसमें से एक पॉसिबल नहीं है, कौन सा वाला? कौन सा पॉसिबल नहीं है? लास्ट वाला हाँ बता, रीजन दे कर। सर, वो कहीं से भी वो अटैक हो सकता है। हाँ इसमें अगर अटैक होगा तो ये वाला डी जो है, ध्यान देना, ये वाला डी जो है ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। N2H2 जब अटैक करेगा, मान लो एच एक बार आ गया ऊपर, तो डी को नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं समझ रही बात? क्लियर है कि नहीं? यस सर, और एक ये वाला क्यों, ये और ये सेम नहीं है क्या दोनों? थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ बोलो सेम है कि नहीं? अलग अलग हो जाएंगे ना। हाँ रीजन दे मैं। सर उनकी मिरर इमेज में अलग अलग बनेंगे ना। ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, ध्यान रखना चीज का, चेक करो एक बार, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। इसलिए ये पॉसिबल है दोनों, और यही पांच आंसर हैं इसके, यही पांच आंसर हैं इसके। क्लियर है कि नहीं? यस सर, लेक्चर समझ आए हैं आज के? ये वाला लेक्चर समझ आ गया आज का कि नहीं? ये रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे, बहुत सारे रिएक्शन, LiLH4, NaBH4, स्टीफंस रिडक्शन, और इसके अलावा MPV रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, बहुत सारे मैकेनिज्म किए इसके अंदर भी, और ऑक्सीडाइजेशन में भी बहुत सारे मैकेनिज्म किए, सारे खत्म कर लिए भी अभी हमने ये। सही ना? अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दिया कौन सी, जैसे मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोस रूल के क्वेश्चन, फिर इसमें KCP TCP के क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IIT में पूछे हुए हैं, और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 15-20 क्वेश्चन की, ताकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं IIT के वो टफ लगे, स्टार्टिंग में अगर वो टफ लगेंगे, कराने के बाद बहुत ईजी लगेगा, तो जरूर अटेंड करना, वो मिस मत करना बिल्कुल। सही ना? ये प्रैक्टिस कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी खत्म हो गए हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी खत्म हो गए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर।